विकास अभी रुकना होगा, मैं खेमचंद के पास जाऊंगा फिर आपका संग। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, तथ्यों के साथ अगर आप निपट खिलवाड़ करेंगे ना तो उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने ये जो वक्तव्य दिया कि भारत में सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं रख सकता, गुरुद्वारा नहीं सकता, ये वक्तव्य कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। भाई राहुल गांधी 70% के नेता हो कांग्रेस की नजर में, चाहे 700% के नेता हो, एलओपी हो चाहे कोई हो, इससे क्या मतलब है? झूठ भी थोड़ा बहुत दाल में नमक चल जाएगा, नमक की बोरे में एक चम्मच दाल डाल दोगे। और बेटी भी ससुराल में मायके की बुराई नहीं करती, आपको सारा ज्ञान वही देना है बाहर, यहां दिल्ली में रह के दो भाई। कुछ विषय हैं जो तीखे हैं और वो विषय देश के मानस को प्रभावित करते। खेमचंद जी कुछ कह रहे थे, आप हाथ उठा रहे थे, बताइए। जी मैं एक तो समाजवादी पार्टी के, मैं समाजवादी पार्टी के बड़े भाई से, हमारे मित्र भी हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ। आपने कृत्रिम की बात की, तो राहुल गांधी जी कृत्रिम हिंदू हैं या फिर पैदाइशी हिंदू हैं? आप सोच के आराम से जवाब देना। नंबर एक, अरे भाई ऐसे सवाल ना करो यार। मैंने कुछ अभद्रता नहीं की, बवाल है जी। नहीं, बवाल होता है तो होने दो सर, क्योंकि ये हमेशा टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरा मैं से पूछना चाहता हूँ कि पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी है, उनके शब्दों में और राहुल गांधी जी के शब्दों में क्या फर्क है? आप मेरे को समझा दें, आप देश को समझा दें। नहीं नहीं, वो तो पन्नू ने समझाने की जरूरत नहीं, खेमचंद जी समझाने की जरूरत, तो पन्नू ने कह दिया कि जो हम सोच रहे हैं वही राहुल जी सोच रहे हैं, वो तो पन्नू ने कह दिया कि हमारी और राहुल जी की बात एक है जी। तो हम वही कह रहे हैं कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन भारत के हैं या फिर खालिस्तानी मूवमेंट के, क्योंकि आप पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप मोदी जी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप देश को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी हमारी रीति नीति है, हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कभी भी किसी भी समाज के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे जो भी आया उसको यहाँ पे इंक्लूसिव तरीके से यहाँ पे रखा, उनको फले फूलने का मौका दिया, चाहे वो पारसी आए, चाहे मुस्लिम आए, या यहाँ पे ईसाई आए, कोई भी समाज आया, भारत में उनका स्वागत हुआ, फलने फूलने का उनको मौका मिला। और फिर ये अदरवाइज बातें ठीक, करते हैं। ठीक खेमचंद जी, विकास जी के पास चलूंगा, इनकी बातों को विदेश वाले लोग कोट करते हैं। खेमचंद जी रुकना होगा, विकास जी के पास चलता हूँ, अभी रुकिए। विकास जी, ये एक तो सिखों के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा वो स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी सूरत, वो एलओपी है तो भी नहीं हो सकता, और एलओपी ना रहे तो भी नहीं हो सकता, वो प्रधानमंत्री हो जाए तब भी ये स्वीकार्य नहीं होगा, राष्ट्रपति हो जाए तब भी नहीं होगा। दूसरी एक बात ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो भी धर्म है उस सब के प्रतिनिधि भारत आए। ये शायद भारत ऐसा अलबेला देश है जहाँ दुनिया में जहाँ भी छोटा बड़ा धर्म है उसके लोग यहाँ आए, और जो यहाँ आया उसका भारत ने दोनों बाहें फैलाकर स्वागत किया। पहली मस्जिद केरल में बनी, बहुत सारे उदाहरण हैं, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, सब यहां बसे, सब स्वतंत्रता के साथ जीवन जिए। तब ये पिक्चर पेंट करना कि नहीं जी बहुत हाहाकार है, भारत में मारकाट मची है, और फलाना वा फलनवे को मार रहा है, और मुसलमान नहीं जी पा रहा, और फलाना नहीं जी पा रहा, ऐसी भाषा क्यों प्रयोग में लाई जाती है? और वो भी तब जब 45 साल कांग्रेस ने शासन किया हो जिस देश में। विकास जी देखिए, अमिताभ जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मुद्दे को डिरेल करने के लिए परेशान है, लोकसभा चुनाव से पहले से भी, और लोकसभा चुनाव पहला चरण जो मोदी वन और मोदी टू से लगातार इस देश को एक बहुत ही अहम मुद्दे से इसको डिरेल करना चाहते हैं। और उस मुद्दे, वो मुद्दा क्या है? 2 अक्टूबर 2017 को इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आरक्षण की पुनर्समीक्षा करने के लिए रोहिणी आयोग बना हुआ है। 16 से 17 बार कार्यकाल बीत चुका है, बढ़ाया जा चुका है, दो कार्यकाल बीत चुका है, तीसरा कार्यकाल मोदी जी का चल रहा है। देश के गरीब, गुर्गा, किसान, अति पिछड़े लोगों के बारे में
उत्तर प्रदेश में भी एक सर्वे हुआ जस्टिस राघवेंद्र कमेटी के नेतृत्व में, उसकी भी रिपोर्ट 400 पन्ने की आ चुकी है, उसमें पिछड़ा अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा आदिवासियों की दशा दिशा इसके ऊपर पूरा रिसर्च और पूरी समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री और पूरी आरएसएस बीजेपी इस देश के अंदर अति पिछड़ों दलितों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार कर रही है, उनको सामाजिक न्याय नहीं दे रही है, आरक्षण और मंडल कमीशन का जो सिफारिश थी उसको पूरी तरीके से दरकिनार कर रही है। और आज यह देश में पिछड़ों को और अति पिछड़ों को दलितों को भी हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहती है। अब जब उनके पास कोई काम नहीं है तो उन्होंने राहुल गांधी जी ने तो देश के दलितों को पिछड़ों को और यहाँ तक कि ये सब बातें एक तरफ भैया एक विकास ये सब बातें एक तरफ मैं पूछ रहा हूँ सिख कड़ा नहीं पे एक मिनट नहीं रुकना होगा इससे एक मिनट रुकना होगा नहीं भाई माइनॉरिटी माइनॉरिटी नहीं ये पीडीए माइनॉरिटी इस टाइप के पॉलिटिकल शब्द नहीं मैं सीधे पूछ रहा हूँ सिख कड़ा नहीं पहन सकता पगड़ी नहीं बांध सकता गुरुद्वारा नहीं जा सकता ये कहाँ हो रहा है जी लेट मी कंप्लीट जी प्लीज अमिताभ जी इसी विषय पे बात हो रही है देश को हम आप मिलकर नहीं डिरेल कर सकते देश समझ चुका है जाग चुका है। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी इस पूरी दुनिया में अति पिछड़ों दलितों कमेरा समाज को जिसका लगातार अपमान हो रहा है संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं 400 पार करके इस देश के बाबा साहब का जो ताकत दिया उसको अगर बदल देना चाहते हैं उसके लिए वैश्विक स्तर पर राहुल गांधी जन नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं। ये बात बीजेपी ठीक अभी रुकना होगा विकास जी आगे बात आगे कांग्रेस ठीक है विकास आगे बात आगे ठीक है आगे बात अभी रुक लो इनकी आवाज विकास जी ने सारी बातें कही वो राहुल गांधी को महात्मा गांधी से आगे ले जा खड़ा कर दिए बोले अभी तक ये तक भारत के जन नेता है अब बताया कि नहीं ये विश्व के जन नायक हो गए मंडेला और गांधी के से आगे हो गए अच्छी बात है कांग्रेस की श्रद्धा राहुल गांधी में नहीं होगी तो किस में होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन मूल सवाल फिर वहीं खड़ा भारत के किस गली मोहल्ले शहर कस्बे में सिख को पगड़ी पहनने से रोका जा रहा है कड़ा पहनने से और गुरुद्वारा जाने से इसका उत्तर कोई नहीं दिया उनको राहुल गांधी को ले जाके आपने दिल्ली से विश्व का जन नेता बना दिया मंडेला और गांधी से आगे ले जा खड़ा कर दिया हमें कोई दिक्कत नहीं आपकी मर्जी आप उनको अवतारी कहो कुछ नहीं समस्या लेकिन इस बात का तो उत्तर देना होगा कि भाई तूती कोरेन में आपने देखे सिखाई से हैदराबाद में देखे जालंधर में देखे कहां देखे बताओगे कि नहीं आप कह रहे विश्व के नेता हो गए पिछड़ों के विश्व भर में कहीं ये पीडीए चल रहा मुझे तो पता नहीं पीडीए का संघर्ष विश्व भर में चल रहा है अगला पिछड़ा की लड़ाई अगर राहुल जी ने सब पूरे विश्व भर में ये चला दिया है तो उन्हें मेरा प्रणाम खैर खेमचंद जी देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह मान लिया कि राहुल गांधी जी ने गलत बोला इसीलिए उस पर कोई वो बात नहीं रख पाए उस पर कोई सफाई भी नहीं रख पाए। दूसरा उनको याद रखना चाहिए कि आदरणीय राजीव गांधी जी ने क्या बोला था संसद में कि वो रिजर्वेशन नहीं चाहते ओबीसी का क्योंकि क्वालिटी खराब होगी क्वालिटी ऑफिसर्स नहीं आएंगे और रिजर्वेशन सब सिस्टम को खराब कर देगा पार्लियामेंट में बोला है कोई प्राइवेट मीटिंग में नहीं बोला। तो राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करना चाहिए ओपनली कि राजीव गांधी जी गलत थे उनकी नानी इंदिरा गांधी जी भी उन्होंने भी ओबीसी रिजर्वेशन को नहीं इंक्लूड किया था वो भी गलत थी और किस सरकार ने रिजर्वेशन दिया बीपी सिंह जी की सरकार ने रिजर्वेशन दिया और उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल थी ओबीसी को ओबीसी का कमीशन किसने बनाया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और ओबीसी सुन लो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर किसके राज में है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में है। आप सिर्फ कहने का काम करते हो सिर्फ वोट का काम करते हो बरगलाने का काम करते हो रियलिटी में आप कुछ नहीं करते। वही समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी का मतलब है सिर्फ एक परिवार और वो परिवार है अखिलेश जी का परिवार उसके अलावा ओबीसी कोई है ही नहीं उसमें 6 से 7 सांसद हैं 5 तो लोकसभा सांसद हैं और 2-3 राज्यसभा के सांसद हैं। तो एक पार्टी के लिए ओबीसी का मतलब एक परिवार दूसरी पार्टी के लिए एससी एसटी ओबीसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको मिसयूज करना है। राजीव गांधी कहते हैं कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इंदिरा जी कहते हैं कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा रिजर्वेशन देना गलत है खराब क्वालिटी आएगी इन लोगों में कोई क्वालिटी नहीं है। और वही जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एम्पावर करते हैं तो ये लोग गलत तरीके से उस बात के खिलाफ इस देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। अब आप धर्म जाति नफरत के एजेंडे में पूरी तरह
फेल हो चुके हैं। बात भी रखता है कि राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जो बोला वो सही बोला या गलत बोला, आप यस बोलो कि वो सही बोला या गलत बोला। आप बोलो, आपके वो नेता हैं, आपको चैलेंज कर रहे थे उसको विफल कर दिया और देश में जाति जनगणना होकर रहेगी और पिछड़े या पिछड़ों दलितों के सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसके लिए कांग्रेस किसी की बलि को देने के लिए तैयार। आपने ये नहीं बोला, राहुल गांधी ये नहीं बोला, अफगानिस्तान में ये सिचुएशन थी, लेकिन भारत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी न्याय नहीं हो पा रहा था, उनके साथ भी वहाँ पे वो अफगानिस्तान में जो आतंकवादी लोग तरीके से व्यवहार कर रहे थे वहां से भारत सरकार ने उनको निकाला, तो भारत सरकार ने सिखों को सेव करने का काम किया, बचाने का काम किया, रेस्क्यू करने का काम किया। आप जो कह रहे हैं उस तरीके से मारने काटने का काम नहीं किया, मारने काटने का काम राजीव गांधी जी की सरकार में कांग्रेसियों ने किया। ये कांग्रेस की आदत बन चुकी है कि देश को बदनाम करो और अपने दुश्मनों को हथियार दो। जब हम लोगों ने यस चल के तब भी आप लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान ने प्रिंट आउट निकाले राहुल गांधी जी के बयानों के, कांग्रेस के नेताओं के बयानों के प्रिंट आउट निकाले, बुकलेट बनाए और बुकलेट को उन्होंने यूएन के अलावा जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल है उस पर रखा, तो राहुल गांधी को उन्होंने कोट किया। दोनों मित्रों को, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, इस झाव झाव से कुछ हासिल नहीं होगा। तथ्य रहेगा, हमको अच्छा लगे तो, ना अच्छा ना लगे तो, अच्छा लगे ठंडा पानी पियो, ना अच्छा ना लगे गर्म पानी पियो गुनगुना, लेकिन तथ्य तो तथ्य रहेगा। ये तथ्य है, छः में तिथि का उल्लेख कर रहा हूँ अपनी स्मृति के आधार पर, 6 सितंबर 1990 भारत की लोकसभा में राजीव गांधी खड़े हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने बिल रखा था मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का, 2.25 घंटा राजीव जी बोले और उसका सार ये था कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार देश बांटने का काम कर रही है रिजर्वेशन दे के पिछड़ों को। राजीव गांधी सिर न हिलाओ भैया, विकासी मैं लोकसभा की कार्रवाई का प्रिंटआउट भेज दूंगा, ये जान लीजिए, ना 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 मेरे साथ नहीं, ठीक। और राहुल जी गांधी यही नहीं रुके, उनके शब्द उद्धृत करता हूं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई देश बांटने में, राजा उनका शब्द उच्चारण था राजा साहिब विश्वनाथ प्रताप के लिए, और राजा साहिब जातियों में विभाजन करा के देश को कमजोर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, राजीव गांधी ने कहा। वो तो मिट नहीं सकता, चाहे राहुल गांधी एलओपी हो जाए, चाहे राष्ट्रपति हो जाए, पार्लियामेंट में जो बोल दिया वो तो अमर हो गया, वो तो मिट नहीं सकता, ठीक, वो वही रहेगा। दूसरा, इंदिरा गांधी के समय में जब मंडल की सिफारिशें आ गई तो इंदिरा जी ने उसको मेज के नीचे क्यों रख दिया? आपकी पिछड़ों के प्रति प्रतिबद्धता बहुत ज्यादा थी क्या? तीसरी बात कही विकास जी ने कि मंडल की और जो सिफारिशें शेष बची थी वो भाजपा ने पूरी नहीं की। बीपी सिंह के समय मंडल आयोग लागू हुआ, जो सिफारिशें शेष थी उसके बाद नरसिंह राव 5 साल रहे, 10 साल मनमोहन सिंह रहे, 15 साल तो कांग्रेस की सरकार रही। आपके लिए 15 साल कम थे, 15 साल कम थे सिफारिशें लागू करने के लिए। आप बता रहे हो जननायक ने कह दिया है कि अब, अरे भाई ठीक है जननायक, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे, लोकनायक हो जननायक हो कोई हो, कि तथ्य बदल जाएंगे? राजीव गांधी का भाषण नहीं बदल सकता ना। और सुनिए, कांग्रेस ने एक चुनाव में एक विज्ञापन जारी किया, उस विज्ञापन की फोटो भी भेज दूंगा, उस विज्ञापन में कैक्टस की फोटो लगाई गई नागफनी की, बड़ी मौलिक बात बता रहा हूं, सामान्यता नहीं मिलेगी, और उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों में जारी हुआ था, उसमें लिखा था कि कोटा नहीं यह कांटा है, क्या जात को नहीं प्रतिभा को चुनिए, ओबीसी के आरक्षण के मसले पर कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जारी किया था विज्ञापन। विज्ञापन में तो लिखना पड़ता है ना जारी किसने किया, कांग्रेस की सोच ये थी कोटा नहीं ये कांटा है, विज्ञापन जिंदा है, विज्ञापन जिंदा है। नागफनी की फोटो आपने लगाई थी, आपने ओबीसी के रिजर्वेशन को नागफनी बताया समाज के लिए, ये तो समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए, लालू जी की पार्टी को सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने
पिछड़ों के आरक्षण को नागफनी बता दिया था, नागफनी से उसकी तुलना कर दी। इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ इससे बड़ा अपमानजनक मजाक क्या हो सकता है?